आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एक्टर और मॉडल राहिल आजम के सभी टेलीविजन सीरियल, फिल्म, म्यूजिक वीडियो और उनके वेब सीरीज के बारे में, जिन्हें स्पेशली जाना जाता है हातिम टीवी सीरियल में हातिम के कैरेक्टर से और सीआईडी टीवी सीरियल में नकुल के कैरेक्टर से। तो अगर आप भी राहिल आजम के सभी टेलीविजन सीरियल, फिल्म, म्यूजिक वीडियो और उनके वेब सीरीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। राहिल आजम का जन्म 25 सितंबर 1981 को कर्नाटक के बेंगलोर में हुआ था और इनकी एक बड़ी बहन भी है। अगर राहिल आजम की हम एजुकेशन के बारे में बात करें तो इन्होंने अपनी शुरुआत की पढ़ाई क्लियरेंस हाई स्कूल से की थी। इसके बाद उन्होंने बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इसके बाद 1999 में ये मुंबई आ गए और 3 महीने का एक्टिंग क्लास भी किया। इसके अलावा वे बेंगलोर में अपनी फैमिली बिजनेस में एम्प्लॉयड हैं। अब हम राहिल आजम के सभी टेलीविजन सीरियल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो राहिल आजम ने अपने टेलीविजन कैरियर की शुरुआत 2001 में एक टुकड़ा चांसा टीवी सीरियल के साथ शुरू की थी, जिसमें उन्होंने आकाश कपूर का रोल प्ले किया था। इसके बाद 2001 में ही कोई है के एपिसोड राख में नजर आए थे। इसके बाद 2002 से 2003 तक अचानक 37 साल बाद टीवी सीरियल में इन्होंने काम किया। इसके बाद 2002 से 2004 तक बाबी टीवी सीरियल में इन्होंने काम किया था। इसके बाद 2003 में कहीं किसी रोज टीवी सीरियल में इन्होंने काम किया। इसके बाद 2003 से 2004 तक हातिम टीवी सीरियल में इन्होंने हातिम का रोल प्ले किया था और इसी टीवी सीरियल से इन्हें सबसे अधिक पहचान मिली है। इसके बाद 2004 से 2005 तक ये मेरी लाइफ है टीवी सीरियल में इन्होंने काम किया। इसके बाद 2004 से 2006 तक सारथी टीवी सीरियल में इन्होंने काम किया। इसके बाद 2004 से 2005 तक सीआईडी टीवी सीरियल में नकुल प्रद्युम्न के रूप में इन्होंने काम किया और इसके बाद 2015 में भी ये फिर से सीआईडी में नजर आए थे। इसके बाद 2005 में प्रिंसेस डॉली और उसका मैजिक बैग में इन्होंने हातिम का रोल प्ले किया था। इसके बाद 2006 से 2007 तक रेशम डंक में इन्होंने आदित्य बलराज का रोल प्ले किया था। इसके बाद 2007 में बेटियां अपनी या पराया धन में इन्होंने वेदांत का रोल प्ले किया था। इसके बाद 2007 में ही फिर कोई है में आर्यमान का रोल प्ले किया था। इसके बाद 2007 में ही परिवार टीवी सीरियल में इन्होंने काम किया। इसके बाद 2008 से 2009 में बाबुल का आंगन छूटे ना टीवी सीरियल में इन्होंने काम किया। इसके बाद 2009 में ही मिस्टर और मिसेस मिश्रा में इन्होंने काम किया। इसके बाद 2010 से 2011 में जिंदगी की हर रंग गुलाल टीवी सीरियल में इन्होंने वसंत का रोल प्ले किया था। इसके बाद 2011 में मुक्ति बंधन टीवी सीरियल में इन्होंने काम किया। इसके बाद 2012 में हमने ली है शपथ टीवी सीरियल में डॉक्टर युधिष्ठिर का रोल प्ले किया था। इसके बाद 2012 में ही हिटलर दीदी में इन्होंने मालिक खान का रोल प्ले किया था। इसके बाद 2015 में महाकुंभ टीवी सीरियल में इन्होंने काम किया और इसी साल एक था चंदर एक थी सुधा टीवी सीरियल में इन्होंने काम किया। इसके बाद 2017 से 2018 तक तू आशिकी टीवी सीरियल में इन्होंने काम किया। इसके बाद 2018 में लाल इश्क टीवी सीरियल में इन्होंने काम किया। इसके बाद 2019 में कोर्ट रूम सच्चाई हाजिर हो टीवी सीरियल में इन्होंने एडवोकेट राशिद मोमिन का रोल प्ले किया था। इसके बाद 2020 में दिल जैसे धड़के धड़कने दो टीवी सीरियल में इन्होंने काम किया था, जिसमें उन्होंने देवगुरु का रोल प्ले किया था। इसके बाद 2020 से 2022 तक मैडम सर में इन्होंने डीसीपी अनुभव सिंह का रोल प्ले किया था। इसके बाद 2022 में कंट्रोल रूम टीवी सीरियल में काम किया। इसके बाद 2022 से अब तक धीरे धीरे से टीवी सीरियल में राघव श्रीवास्तव का रोल प्ले कर रहे हैं। अब हम राहिल आजम के फिल्म, वेब सीरीज और उनके म्यूजिक वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। तो राहिल आजम की अगर हम फिल्म के बारे में बात करें तो उन्होंने 2005 में ताजमहल एन इटरनल लव स्टोरी फिल्म में काम किया था। इसके अलावा अगर हम उनके वेब सीरीज के बारे में बात करें तो 2021 में गेम्स ऑफ कर्मा वेब सीरीज में इन्होंने काम किया था। और अगर हम उनके म्यूजिक वीडियो के बारे में बात करें तो उन्होंने तेरे बिन नहीं लगता, तुम तो ठहरे परदेसी, अखिया लड़ गई जैसे म्यूजिक वीडियो में काम किया है। तो राहिल आजम की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट जरूर कर देना।